ఢిల్లీలోనూ ఇండియా కూటమి నేతలు నిరసనలు చేపడుతున్నారు జంతర్ మంతర్ వద్ద ధర్నాను నిర్వహిస్తున్నారు పార్లమెంట్లో భద్రతా వైఫల్యాన్ని నిరసిస్తూ ఇండియా కూటమి దేశవ్యాప్త ఆందోళనకు పిలుపునిచ్చింది ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద ధర్ణా చేపట్టింది అయితే ప్రస్తుతం ఏఐసిసి చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం के नेता एक हो अब जब सब लोग एक होते हैं तब अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता और और मोदी जी को मोदी जी को इतना घमंडाया है इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि 400 सीट जीतेंगे तो क्या मतलब भाई 400 सीट जीतने का क्या है तुम्हारे पास इतने पॉपुलर इतने पॉपुलर तो नहीं है क्योंकि मैं देखा हूं जब कर्नाटक में आए हर जगह फिरे गली गली फिरे हार के आए तेलंगाना में गली गली फिरे हार के आए हिमाचल में गली गली फिरे हार के आए ऐसी क्या बात है तो आप पहले ही कह रहे मैं चार से वो सीट लाऊंगा अरे आपको जो जनता जो जनता आपको सत्ता में बिठाई है वो जानती है कि आपको सत्ता से कैसा बाहर निकालना नीचे गिराना। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा आप सभी लोग यहाँ आए हैं सभी नेताओं का भाषण सुने हैं तो इंडिया अलायंस एक होकर लड़ रही है इसको आप साथ दीजिए एक हो जाइए और मैं सभी मीडिया से भी अपील करता हूँ जो सच है वो तो बताइए जो सच है वो तो कही है जो सच है वो तो लिखी है इतना ही मैं आपको कहूंगा और आप सभी को युवाओं को और जो ये का प्रॉब्लम है जैसा राहुल जी ने कहा और इन्फ्लेशन का कीमतें बढ़ रही है इसके बारे में हमको ज्यादा सोचना है उस नजर से आप देखकर एक हो जाएंगे और आगे हमको पूरा सपोर्ट करेंगे इतना कह के मेरे भाषण को समाप्त करता हूं जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद धन्यवाद बहुत ही दिल की गहराइयों से खरगे साहब का धन्यवाद हमारे बीच में आरएसपी के जनरल